तो पुलाव मटन दोस्तों खुशबूदार बनके हो गया है तैयार। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अनीता जी के किचन में। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है मटन पुलाव। क्या मटन पुलाव? मटन पुलाव का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया ना आप पर लोगों का। बनाना बड़ा मुश्किल होता है। आज के लंच में हम बनाने वाले हैं मटन पुलाव, बिल्कुल आसान तरीके से, इतना आसान कि आप रेगुलर इस तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। प्याज काट के बिल्कुल बारीक बारीक काट लेंगे हैं, और चूल्हा भी जला लेंगे क्योंकि चूल्हा जलने में थोड़ा समय लगेगा, बरसात का समय है अभी हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो पहले ही जला लेती हूँ और सबसे पहले पुलाव बनाऊँगी। आप सोच रहे हैं कितना सारा प्याज क्यों, तो 1 किलो हम मटन भी बनाएंगे और साथ में पुलाव के लिए भी प्याज चाहिए, खाने के लिए सलाद चाहिए, तो इकट्ठा ही मैं छील ली हूँ। मटन के लिए प्याज जो है ना एकदम बारीक बारीक काटेंगे। मैं तो देखिए फसूल से बारीक बारीक काट लेती हूँ, आप किस चीज़ से काट लेते हैं बारीक बताइएगा, चाकू से। पुलाव के लिए स्पेशल चावल बाजार से ये देखिए आया हुआ है, अभी से ही खुशबू मारना शुरू कर दिया है ये। तो जब भी पुलाव बनाए ना तो चावल को धो के आधा घंटा या करीब करीब भिंगो कर रख दे, इससे चावल बड़ा बड़ा हो जाता है फुला कर रखने से। इसको बढ़िया से धो देते हैं, धो कर भिंगा कर रख देंगे। वैसे भी चावल ये बड़ा बड़ा ही है लेकिन भिगाने से और बड़ा हो जाता है। चूल्हा जल चुका है, हांडी रखते हैं जिसमें हम पुलाव बनाएंगे। तो देखिए हांडी में पानी था, सूख गया। इधर हम डालेंगे 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल और 2 से 3 चम्मच 4 चम्मच डाल सकते हैं देसी घी। पुलाव के लिए देखिए तड़का में 3-4 तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 4-5 लौंग और थोड़ा सा दालचीनी के टुकड़े हैं, ये हम डालेंगे अपना ऑयल में। ऑयल को यहाँ पे 1 छोटा चम्मच जीरा भी डाल लेंगे। अच्छा से तड़का को ना बढ़िया से भून लेंगे खुशबू आने तक। ये देखिए आया ना मज़ा। अब यहीं पर डालेंगे अपना प्याज। प्याज ज़्यादा नहीं, एक इतना बड़ा साइज का डाली हूँ, 1 किलो चावल में डालूंगी। प्याज को एकदम गुलाबी कर लेना है और गुलाबी होगा ना तो इसका जो पुलाव बनेगा ना एकदम मीठा मीठा स्वाद आएगा। और दोस्तों देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि पुलाव में पानी इंसान कितना डाले या बिरयानी बना रहे हैं, तो ये बड़ा कन्फ्यूजन लोगों को होता है। तो आपके सामने ही हमारे हस्बैंड जी चावल को धो के भिगो दिए थे, आप देखे ही। तो देखिए इतना पानी होना चाहिए, जैसे कि धो के हम इसको भिगो दिए हैं पानी डाल के, तो ये थोड़ा पानी अभी कम है, ये जो हमारी उंगली का लकीर होती है ना यहाँ तक पानी होना चाहिए तो अच्छा पुलाव बन जाता है। कुछ नहीं आपको देखना है, बस चावलों से ऐसे उंगली को टच करें तो पानी इतना आना चाहिए।
देखिए ये इधर हमारा प्याज कितना अच्छा गुलाबी हो चुका है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम इसमें पानी डालते हैं, जन ज़्यादा नहीं डालिएगा ना, सावधानी से डालिएगा। और चावलों को भी डाल देंगे, और चावल को भी डाल लेंगे। अब यहीं पे डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक। बस पानी का तो आपको मैं बता ही दी थी, कुछ नहीं करना है, इसको मिला लेंगे। मिलाने के बाद दोस्तों, अगर खुशबूदार आप पुलाव बनाना चाहते हैं तो इसमें केवड़ा एसेंस डालें, मैं भी डालूंगी। तो यहाँ पे देखिए केवड़ा एसेंस डाल रहे हैं हम, 4-5 ड्रॉप, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा डालने से ना खाया नहीं जाता है पुलाव, तो बस इतना डालें कि काम चल जाए। अच्छा से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद 5 मिनट हाई फ्लेम पे और 5 मिनट लो फ्लेम पे तो ढक के पका लेते हैं। जब तक हमारा पुलाव बन रहा है, हम मटन का तैयारी कर लेते हैं। अब देखिए चूल्हा का आग कम कर दिए हैं और 5 मिनट पका लेते हैं, और आपको दिखाते हैं कि देखिए कैसा हमारा पुलाव पक रहा है। ये देखिए 5 मिनट में हमारा पुलाव बनके तैयार। तो यहाँ पे देखिए हमारा पुलाव तैयार हो गया है। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा चेक कर लेंगे, ये देख रहे हैं, तो हल्का सा इसमें पकने की ज़रूरत है। तो इसको ढक के रख देंगे ना तो ये पक जाएगा। तो तैयार है हमारा पुलाव, अब फटाफट मटन बना लेते हैं क्योंकि लंच का समय हो गया है। तो आज मैं कुकर में बनाने वाली हूँ, आप भी कुकर में बनाइए। अगर हैवी मटन है, जैसे कि मटन के ऊपर निर्भर करता है कि मटन छोटा है कि बड़ा है, मटन अगर हैवी है तो कुकर में पकाना पड़ेगा आपको, नहीं तो कढ़ाई में भी पक जाता है। और मटन फ्रेश रहता है तो उसका स्वाद भी अच्छा आता है, और पीस के ऊपर भी निर्भर करता है कि कैसा आप पीस लिए हो। तो मैं आपको कई वीडियो में बताई हूँ कि मतलब सभी चीज़ों के लिए ना अलग अलग तरीके का पीस लेना होता है। वैसे तो ज़्यादा करके सभी के घरों में रेगुलर मटन बहुत ज़्यादा बनता है, तो आज मैं जो मटन बनाने वाली हूँ ना, एकदम आप कभी भी इसको बना सकते हैं। तो मटन हम सरसों का तेल में बनाएंगे, सरसों का तेल डाल लेंगे। यहाँ पे कुछ तेज पत्ता, 1 चम्मच जीरा लिए हैं, तड़का में डाल लेती हूँ। और तड़का को अच्छा से भून लीजिएगा। अब यहाँ पे प्याज में हम नमक डाल रहे हैं 1 चम्मच। इसको अच्छा से ना हाथों से मसलना है कि जो हमारा प्याज है जल्दी गल जाएगा। ये देख रहे हैं, इस तरीके से मसल दें, सारा प्याज खुला खुला हो जाएगा, बहुत जल्दी भून जाता है। एक बार इस तरीके से ट्रिक देखिएगा आप मेरा। तो तेज पत्ता जीरा अच्छा से भून गया है, देख रहे हैं कितना बढ़िया खुशबू भी आने लगा। ढक्कन से ढक के इसको भून रही थी मैं, देख रहे हैं कितना अच्छा मस्त छोड़ दिया था, अच्छा से भून रहा है, देख रहे हैं कितना बढ़िया भून रहा है। और थोड़ा ये भूनेगा, लाल कर लीजिएगा, भून गला लीजिएगा। कितना बढ़िया प्याज गल चुका है। यहीं पे डालेंगे 4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट।
पेस्ट भी भून लेंगे, मटन डाल लेंगे। दो तीन मिनट हम मटन को भून लिए हैं, देख रहे हैं कितना बढ़िया कलर चेंज हो गया है। प्याज एकदम गल के बढ़िया ग्रेवी बनेगी। साथ ही बिल्कुल पतला पतला कटा हुआ दो टमाटर डाल रही हूँ। चार चम्मच धनिया पाउडर लिए हैं, दो चम्मच तीखा वाला लाल मिर्च, दो चम्मच गरम मसाला, डेढ़ चम्मच हल्दी पाउडर है और डेढ़ चम्मच देगी मिर्च है। ये सारा मसाला हम मटन में डालेंगे। पाउडर मसाला डाली हूँ तो एक कप पानी भी डाल दूंगी और स्वाद अनुसार नमक डालना है, ध्यान में रखते हुए कि पहले भी हम नमक डाले थे। अब 5-7 मिनट हम हाई फ्लेम पे ही मसाले के साथ मटन को भून लेते हैं, फिर इसमें हम जितना ग्रेवी बनाना हो उतना पानी ऐड करेंगे और चार विसल लगवाएंगे। मेरा तो फट कर ले कबू, माफ करना हुआ मुझसे भूल, सने में लाई महंगाई। भुट्टा बना रहे हैं दोस्तों, जल्दी जल्दी आ जाइए, आज के सलाद में भुट्टा खाएंगे। इधर हमारा मटन भी भून गया है, इसमें पानी डालेंगे। भुट्टा डालने के बाद ना चूल्हा हो जाता है बुझ। एकदम ये दूधा कच्चा है भुट्टा है, पहले आप लोग खा लीजिए, बहुत गर्म है। दोस्त लोग के भुट्टा कच्चा बा, लेकिन हमने सब मीठ नहीं भुटाई, मिठाई कम बा। देख रहे हैं दोस्तों कितना बढ़िया भुन गया है मटन हमारा। अब इसमें आपको उतना ही पानी डालना है जितना आपको करी बनाना है। अब कुछ नहीं करेंगे, इसको ढक के चार विसल लगवा लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसा जब तक हम लोग भुट्टा इंजॉय करेंगे। और ये देखिए दोस्तों हमारा बन के रेडी हो चुका है। देख रहे हैं कितना जबरदस्त लुक आया है, ऊपर से डालेंगे धनिया की पत्ती फ्रेश। गर्मा गर्म पुलाव मटन सर्व करते हैं। तो मटन तो रेडी है दोस्तों, पुलाव भी रेडी है और देखिए कितना बढ़िया खिला खिला पुलाव बना है। मैं आपको निकाल के चेक करवाती हूँ। इस तरीके से पुलाव और मटन जब घर पे बनाएंगे ना तो खुशबू दूर दूर तक आएगी, पड़ोसी भी सोचेंगे क्या बन रहा है भाई।
जल्दी दूं। ये देख रहे हैं दोस्तों, आ गए हैं इधर, मटन पुलाव बना नहीं, सब लोग आ गए हैं खाने वाले। हम बोल रहे जल्दी करो जल्दी करो। ये देखिए इसको कहते हैं मटन, देख रहे हैं। जबरदस्त। तो जितने भी दोस्तों को मटन खाना बेहद पसंद है, जल्दी से आ जाइए नहीं तो लंच हो जाएगी। तो देखिए हम दो प्लेट भी सर्व किए हैं। तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए, जल्दी से आ जाइए। तो पुलाव मटन दोस्तों खुशबूदार बन के हो गया है तैयार। कितने दोस्तों को मटन और पुलाव पसंद है बताइएगा कमेंट में। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये मटन और पुलाव बनाने का तरीका? साथ में हम लोग भुट्टा खा खा के मुंह काला कर लिए हैं। देखिए इतना सारा भुट्टा खाए हैं। तो अभी देते हैं क्योंकि आ गए हैं हमारे बेटा जी। जबरदस्त जबरदस्त। दोस्तों बच्चों को तो बहुत टेस्टी लग रहा है, मैं भी निकाल रही हूँ, जा रही हूँ खाने। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नई और आसान रेसिपी के साथ। बताइएगा आप लोग क्या बनाऊं, हिंट दीजिएगा, ऐसा बताइएगा कि हम भी खाए, बाल बच्चा भी खाए।